हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे 2019 का NMMS एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करेंगे मैथ सब्जेक्ट का। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देर इज़ अ स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। मतलब ये हमारा ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब इसके फर्स्ट और सेकेंड टर्म में जो है कुछ रिलेशन है, तो द सेम रिलेशन एग्जिट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ टर्म। मतलब जैसा रिलेशन फर्स्ट और सेकेंड टर्म में है, तो वैसी रिलेशन थर्ड और फोर्थ टर्म में है। तो हमें जो है पहले इसके हिसाब से जो है हमें फोर्थ वाला भी जो है फाइंड करना है। तो हमारा क्वेश्चन है AMK इज IFQ। मतलब AMK और IFQ में कुछ रिलेशन है, और इसी तरह JKP और उसके साथ क्या आएगा। तो हमें जो है इन दोनों के रिलेशन के हिसाब से जो है JKP का जो है सॉल्व करना है। तो देखते हैं हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए पूरी ABCD लिखना है A to Z तक, और जो है उसकी पोजीशंस लिखना है। जैसे A की पोजीशन 1 है, B की पोजीशन 2 है, C की पोजीशन 3, इस तरह से जैसे मैंने लिखी हो आपको इस तरह से लिखना होगा। फिर उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है AMK एंड IFQ, तो हम इसके अंदर देखेंगे कि A से आई तक जो है प्लस एट का जो है डिफरेंस है। मतलब प्लस एट का डिफरेंस है ए और आई में। फिर इसके बाद एम और एफ में हम जो है पहले फर्स्ट से फर्स्ट टर्म का करेंगे, सेकंड से जो है सेकंड, ये सेकंड से जो ये सेकंड करेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा ए है, तो ए से आई तक का डिफरेंस जो है एट है, प्लस एट है। और इसी तरह M और F का जो है डिफरेंस जो है क्या है, -7 है। देखते हम मतलब A से I तक के जो है या 8 का डिफरेंस है, प्लस 8 का आगे जा रहा है क्योंकि। लेकिन M से और F जो है, M से जो है F, यानी हमें पीछे जाना, यानी -7 का जो है डिफरेंस है 1 2 3 4 5 6 7, यानी -7। अब K और Q, ये लास्ट टर्म K का है हमारा, K और Q तक जो है 1 2 3 4 5 6, प्लस सिक्स का जो है यहाँ डिफरेंस है। तो +7 -7 और +6, इसी तरह जो है हमें इस JKP का भी सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है कि J से आगे जो है +8 करना है। J के आगे जब हम +8 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, R आएगा हमारा, R मतलब +8। इसके बाद K से जो है हमें जो है 7 नंबर पीछे जाना है। K का है हमारा ये, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी आएगा D। एक मिनट, D -7। अब इसके बाद हमें P से जो है 6 नंबर आगे जाना है। P है हमारा 1 2 3 4 5 6, मीन्स V। तो ये हमारा हो जाएगा RDV +6। तो ये हमें इस तरह से सॉल्व करना है। जैसा रिलेशन फर्स्ट टर्म में है पूरे, उसी तरह का जो है सेकंड टर्म में जो है हमारा रिलेशन है। तो हमारा आंसर जो हुआ है वो है RDV। RDV हमारा जो है आंसर है। तो ये जो हमारा कौन सा कितवा अल्टरनेटिव है, थर्ड अल्टरनेटिव इज करेक्ट। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कुछ इसी तरह से जो है हमें सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इसी तरह से है, SPJ
इसका रिलेशन जो है एच के क्यू से है और एम टी एस का रिलेशन जो है हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एस पी जे और एच के क्यू में क्या रिलेशन है। तो हमें यहाँ करना क्या है कि सबसे पहले हमें जो है एस पी जे इन सब की जो है वैल्यूज जो है लिखनी है। इनकी वैल्यूज लिखने के बाद जो है सबसे पहले एस की वैल्यू है 19, पी की वैल्यू है 16, जे की वैल्यू है 10। तो हमें क्या करना है कि ये 19 और ये 16 में जो है देखना है कि कितना डिफरेंस है। तो ये जो है 3 का डिफरेंस है। फिर इसके बाद 16 और 10 यानी पी और जे में जो है कितना डिफरेंस है, 16 और 10 में जो है 6 का डिफरेंस है। फिर इसके बाद एच और के में एच और के की वैल्यू है 8 और 11 में 3 का डिफरेंस है और K और Q की वैल्यू है 11 और 17, इन दोनों में भी 6 का डिफरेंस है। यानी ये और ये रिलेशन सेम है। अब हमें इसी तरह जो है थर्ड वाला रिलेशन भी जो है फाइंड करना है। तो M की वैल्यू है 13, T की वैल्यू 20 और S की वैल्यू 19। अब 13 और 20 में जो है 7 का डिफरेंस है और 20 और 19 में जो है 1 का डिफरेंस है। यानी अभी हमें क्या करना है कि जो है ऐसे कोई दो अल्फाबेट्स लेना है जिसमें 7 का डिफरेंस है। मींस हमें क्या करना है कि हमारे अल्टरनेटिव्स में जो है फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है हमारा पी एन के, पी और एन में जो है कितना डिफरेंस है, पी और एन इसमें बस 2 ही का डिफरेंस है। हमें देखना है एन और जी में जो है 7 का डिफरेंस है। एन और जी तो एन की वैल्यू है 14 और जी की वैल्यू है 7। यानी 14 और 7 में जो है 7 का डिफरेंस है और जी से अभी हमें देखना है क्या एच है, जी और एच में जो 1 का डिफरेंस है। तो हमें जो है इसी तरह से सॉल्व करना है। यानी हमारा अल्टरनेटिव है थर्ड सेकंड करेक्ट, ये हमारा आंसर है। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो इसके बाद हमारा पिंक पी आई एन के, इसका रिलेशन जो है आर एल और आर पी से है और हमें जो है ब्लू बी एल यू का रिलेशन जो है फाइंड करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि P और R में जो है कितना डिफरेंस है। तो P और R में जो है सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेंगे। P की जो है वैल्यू है 16 और R की वैल्यू है 9, N की वैल्यू है 14 और K की वैल्यू है 11 और R की वैल्यू है 15। तो अब हमें क्या देखना है कि P और R ये जो है फर्स्ट और फर्स्ट टर्म में जो है कितना डिफरेंस है। तो P और R में जो है 2 का डिफरेंस है और I और L में, I और L में जो है 3 का डिफरेंस है। I और L में 3 का डिफरेंस है। तो अब हमारा N और R में जो है कितने का डिफरेंस है, N और R में जो है 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, सॉरी N और R में जो है 4 का डिफरेंस है। अब इसके बाद है K और P में जो है 5 का डिफरेंस है, K और P में जो है 5 का डिफरेंस है। तो हमें इसी हिसाब से जो है हमारा इसको भी फाइंड करना है 2, 3, 4, 5 के डिफरेंस पर। 4 और 5 के डिफरेंस पर जो है हमें भी इसे सॉल्व करना है। तो P से आगे 2 जब हम लेंगे तो हमारा आएगा D, C और D। फिर इसके बाद L से आगे हम 3 लेंगे तो 1, 2, 3 O आएगा। फिर इसके बाद हम U से आगे 4 लेंगे, U से आगे 4 तो 1, 2, 3, 4 Y और E से आगे जो है हम 5 लेंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो है ये हमारा आंसर है। हमें जो है हमारा इसका भी रिलेशन पता चल गया। तो हमारा जो है फोर्थ अल्टरनेटिव जो है करेक्ट। इसके बाद हमारा फोर्थ वाला है कि
एन एम एस का रिलेशन आई आई जे क्यू से है, और एच टी एस ई का रिलेशन हमें जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एन एम एम एस का रिलेशन आई आई जे जे क्यू से कैसा है। जे क्यू इसका रिलेशन जो है किससे है हमारा, उसके बाद हमें एच टी एस ई। तो जो है हमें देखना है कि एन से जो है आई आई तक जो है कितने का डिफरेंस है। एन एम एम एस एन से जब हम आई पीछे जाएंगे, एन से आई जब हम पीछे जाएंगे, एन 1 2 3 4 5, तो 5 का डिफरेंस है, हमें इसमें पीछे जाना है, 5 का डिफरेंस है। और एम से आई तक जो है 6 का डिफरेंस है, एम से आई का 1 2 3 4 सॉरी 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। और एम से जे का, एम से जो है जे का 1 2 3 यानी 5 4 3, और एस से एस जो है 1। तब एस से जो है क्यू तक जब हम पीछे जाएंगे 1 2, तो 2 का डिफरेंस आएगा। यानी हमें जो है यहाँ क्या करना है, 5 4 3 2 इसके पीछे जाकर हमें देखना है, और फिर इसका जो है वैल्यू फाइंड करना है। एच टी एस अब हमें इसी रिलेशन के हिसाब से जो है ये वाला जो है फाइंड करना है, एच टी एस ई का रिलेशन जो है फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स जो है 5 जो है नंबर पीछे जाएंगे, 5 अल्फाबेट जो है पीछे जाएंगे। तो एक्स जो है हमारा ये है 1 2 3 4 5, यानी सी आएगा हमारा सी। फिर टी से जब हम 4 टाइम्स पीछे जाएंगे, टी से 1 2 3 4, तो पी आएगा हमारा। फिर इसके बाद ऐसे जब हम 3 टाइम पीछे जाएंगे, तो हमारा जो है क्या आएगा, पी आएगा 1 2 3 पी सी पी पी। और ई से जब हम 2 टाइम्स पीछे जाएंगे, तो हमारा आएगा सी। तो हमारा आंसर होगा सी पी पी सी। तो कौन सा अल्टरनेटिव है हमारा, ये फर्स्ट वाला सी पी पी सी, फर्स्ट अल्टरनेटिव जो है ये करेक्ट है। सो 1 2 4 डायरेक्शंस जो है हमारे ये कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 5 to 7 डायरेक्शंस। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस क्वेश्चन द क्वेश्चन फिगर चेंजेस इन अ डिफिनाइट वे, मतलब ये वे में जो है चेंज हो रही है। फाइंड आउट द करेक्ट फिगर, करेक्ट फिगर जो हमें फाइंड करना है। तो हमें देखना है, यहाँ हमारी एक फिगर है कि सबसे पहले जो है, एक मिनट, तो सबसे पहले हमारी ये फिगर जो है कुछ इस तरह से जा रही है। फिर इसके बाद जब ये थोड़ी टर्न होंगी तो इस तरह से हो जाएंगी। फिर थोड़ी दूसरे जो है एंगल की तरफ टर्न होंगी तो इधर आ गई। फिर उसके बाद चेंज होंगी एंगल की तरफ तो इधर आ गई। अब इसके बाद जब हम इसे टर्न करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगी। तो ये पहले कुछ इस तरह से था, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर हमें जो है ये ऐसा हो जाएगा। तो ऐसी फिगर जो है हमारी फोर्थ वाली फिगर है, ये जो है हमारी करेक्ट फिगर है। पहले ऐसा, फिर जो है सेकेंड दूसरी तरफ चेंज हुआ ऐसा, फिर थर्ड तरफ चेंज होने के बाद इस तरह से, और फिर फोर्थ वाला जो है कुछ इस तरह से होगा। तो ये फोर्थ वाला जो है हमारा आंसर है। इसके बाद का भी क्वेश्चन जो हमारा डायग्राम से रिलेटेड है। तो फर्स्ट वाले में जो है सिर्फ एक सर्कल है, सेकेंड वाले में 2 स्क्वायर्स, और थर्ड वाले में जो है कुछ ट्राइंगल्स है। तो इसका आंसर जो है ये है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डायग्राम से रिलेटेड है। पहले डायग्राम जो है ये ऐसी है, मतलब एरो जो है इस कोने में है। सेकंड डायग्राम में जब एरो जो है थोड़ा इधर हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है थोड़ा और इधर हो जाएगा, तो ये इस कोने में आ जाएगा। फिर जब थोड़ा और जो है चेंज हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और हार्ट पहले जो है इधर था, फिर उसके बाद जो है इधर हुआ,
उसके बाद इधर हुआ, अब जो है ये फोर्थ वाले जो है एंगल में आएगा, ये हमारा जो है थर्ड अल्टरनेटिव में ही करेक्ट है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं कि ये तीनों नंबर के जैसा ही, मतलब इन तीनों से रिलेटेड ही नंबर जो है हमें इन अल्टरनेटिव में जो है फाइंड करना है। एक अल्टरनेटिव है जो कि जो है इन नंबर से मैच करता है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो है क्वेश्चन पहले यह है कि नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। तो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन है, इसका देखेंगे हम कि टू और वन जब हम इन दोनों को जो है प्लस करेंगे तो जो है ये हमारा बीच का नंबर जो आंसर होगा। जब हम इसको और इसको जो है प्लस करेंगे, फर्स्ट लास्ट टर्म को जो है प्लस करेंगे तो हमारा जो है आंसर होगा बीच का टर्म। और जैसे टू और वन थ्री, फोर और सेवन थ्री, फोर और थ्री सेवन सॉरी, और फाइव और नाइन, और फाइव और फोर नाइन होता है। तो इसी तरह हमें अल्टरनेटिव में देखना है कि फर्स्ट और लास्ट का टर्म प्लस करने पर हमारा जो है बीच का नंबर बराबर आता है। जैसे सेवन और वन को जब हम प्लस करेंगे तो एट होगा, फोर नहीं ये गलत है, ये नहीं होगा जैसे हमारा, ये नहीं होगा हमारा। इसके बाद थ्री और टू को प्लस करने पर फाइव होगा, फोर नहीं, टू और थ्री को प्लस करने पर फाइव होगा, यानी हमारा आंसर है करेक्ट आंसर है। फाइव और फोर को प्लस करने पर नाइन होगा, एट नहीं, यानी हमारा थर्ड वाला जो है आंसर है। अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, यानी ये तीनों नंबर से रिलेटेड ही जो है हमारे हमें एक अल्टरनेटिव जो है ये तीनों नंबर से रिलेटेड है, हमें इसे फाइंड करना है। तो अब हम 721, 636 और 749, तो जब हम इनके एक एक डिजिट को जो प्लस करेंगे, 7 + 2 + 1 इज इक्वल टू हमारा आंसर होगा 10, 6 + 3 + 6 जो है होगा हमारा जो है 15 होगा, और 7 + 4 + 9 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 20, तो 20 होगा। तो अब हमें इन अल्टरनेटिव्स में देखना है कि कौन से ऐसे नंबर है जिसका जो है, तो ये 20 हो गया है, 7 + 4 + 9 20। तो अब हम ये देख रहे हैं कि 10, 15 और 20 ये सब जो है 5 के टेबल से जो है डिवाइड होते हैं, 5 से डिवाइड होते हैं। के अल्टरनेटिव्स में से ऐसा कौन से नंबर की जो है जो टोटल है जो 5 नंबर से डिवाइड हो, तो 3 + 1 + 1 जो है 5 होता है, 3 + 1 + 1 जो है 5 होता है, यानी ये जो है हमारा आंसर होगा क्योंकि ये 5 से डिवाइड होता है, यानी 5 टेबल में आता है, यही जो है आंसर है। क्योंकि 8 + 3 जो है कितना होगा हमारा, 11 होगा, और 11 और 6 जो है 17 होंगे, ये जो है 5 से डिवाइड नहीं होता है, 5 + 4 9 होता है, और 9 और 7 जो है 16 होगा, ये भी जो है नहीं होता है डिवाइड, और 6 और 6 जो है कितना होता है 12 और 8 20 होता है, 20 लेकिन हमारा पहले से ही जो है ये दिया हुआ है 20, तो इसलिए हमारा आंसर होगा फर्स्ट वाला 3 + 1 + 1 3। तो अब हमारा 10th क्वेश्चन है, 32 - 80, 26 - 65, 42 - 105। तो अगर हम देखें कि 16 2 32 होता है और 16 5 80 होता है, और 13 2 26 और 13 5 65, इसी तरह 21 2 42 और 21 5 1005। तो हम अल्टरनेटिव्स में देखेंगे कि कुछ इसी तरह है क्या, तो 14 और 33 जो है ये नहीं होगा क्योंकि 7 2 14 होता है और 7 5 जो है 35 होता है, लेकिन 9 2 जो है 18 और 9 5 45, यानी ये जो ये हमारा आंसर है 9 2 18 और 9 5 45। तो आज की वीडियो में, सो फ्रेंड्स, आज हमने जो है NMMS एग्जाम 2019 के जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए मैथ पेपर के। अगले वीडियो में हम आगे के जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको देखना है मेरे वीडियोस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो को आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।